गायत्री माता की जय गायत्री साधना से शक्ति कोशों का उद्भव गायत्री गायत्री माता कोई देवी देवता भूत पलित आदि नहीं वरन ब्रह्मा जी की स्फुणा से उत्पन्न हुई आदि शक्ति है जो शरीर के प्रत्येक पदार्थ का मूल कारण है और उसी का के द्वारा जड़ चेतन सृष्टि में गति शक्ति प्रगति प्रेरणा और परिणति होती है जैसे घर में रखे हुए रेडियो तंत्र का संबंध विश्वव्यापी इधर तरंगों से स्थापित करके देश विदेशों में होने वाले प्रत्येक ब्रॉडकास्ट को सरलतापूर्वक सुन सकते हैं उसी प्रकार आत्मशक्ति का विश्वव्यापी गायत्री शक्ति से संबंध स्थापित करके सूक्ष्म प्रकृति की सभी हलचलों की जान सकते हैं और उस सूक्ष्म शक्ति को इच्छानुसार मोड़ने की कला विदित हो जाने पर सांसारिक मानसिक और आत्मिक क्षेत्र में प्राप्त कर सकते हैं जिस मार्ग में यह सब होता है उसका नाम है साधना कई व्यक्ति सोचते हैं हमारा उद्देश्य ईश्वर प्राप्ति आत्मदर्शन और जीवन मुक्ति है हमें गायत्री के सूक्ष्म प्रकृति में के चक्कर में पड़ने से क्या प्रयोजन हमें तो केवल ईश्वर आराधना करनी चाहिए ऐसा सोचने वालों को चाहिए कि ब्रह्मा सर्वधान निर्विकार निर्लेप निरंजन निराकार और गुणातीत है वह न किसी से प्रेम करता है न द्वेष वह केवल दृष्टा एवं कारण रूप है इस तरह सीधी पहुंच नहीं हो सकती क्योंकि जीव और ब्रह्मा के बीच सूक्ष्म प्रकृति का साधन आच्छादन है इस आच्छादन को पान पार करने के लिए प्रकृति के साधनों से ही कार्य करना पड़ेगा मन बुद्धि चित्त अहंकार कल्पना ध्यान सूक्ष्म शरीर षष्ठ चक्र एवं देव की ध्यान प्रतिमा व्यक्ति भावना उपासना व्रत अनुष्ठान साधन यह सब भी तो मात्र निर्मित ही है इन सब को छोड़कर ब्रह्मा प्राप्ति किस प्रकार होनी संभव है जैसे ऊपर आकाश में पहुंचने के लिए वायुयान की आवश्यकता पड़ती है वैसे ही ब्रह्म प्राप्ति की भी प्रकृति मूलक आराधना का ही आश्रय लेना पड़ता है गायत्री के अवतरण में होकर पार जाने पर ही ब्रह्मा का साक्षात्कार होता है सच तो यह है कि साक्षात्कार का अनुभवी भी गायत्री के गर्भ में ही होता है इससे ऊपर पहुंचने पर सूक्ष्म इंद्रियां और उनकी अनुभूति शक्ति भी लुप्त हो जाती है इसलिए मुक्ति और ईश्वर प्राप्ति चाहने वाले भी गायत्री मिश्रित ब्रह्म की राधेश्याम सीताराम लक्ष्मीनारायण की ही उपासना करते हैं निर्विकार ब्रह्म का संयुक् तो तभी होगा जब ब्रह्म बहुत में से एक होने की इच्छा करेगा और सब आत्माओं को समेटकर अपने में धारण कर लेगा उससे पूर्व सब आत्माओं की स्वीकार ब्रह्म में ही सामीप्य सारूप्य संयुज्य आदि हो सकता है इस प्रकार गायत्री मिश्रित स्वीकार ब्रह्म ही हमारा उपास्य रह गया है इसकी प्राप्ति के लिए जो भी साधन होंगे वो सभी सूक्ष्म प्रकृति गायत्री द्वारा ही होंगे इसलिए ऐसा सोचना उचित नहीं कि ब्रह्मा प्राप्ति के लिए गायत्री अनावश्यक है यह तो अनिवार्य है नाम से कोई उपेक्षा या विरोध न करें यह उनकी इच्छा पर गायत्री तत्व से बचकर अन्य मार्ग में जाना असंभव है कई व्यक्ति कहते हैं कि हम निष्काम साधना करते हैं हमें किसी फल की कामना नहीं फिर सूक्ष्म प्रकृति का गायत्री का आश्रय क्यों लें ऐसे लोगों को जानना चाहिए कि निष्काम साधना का अर्थ भौतिक लाभ न चाहकर आत्मिक सत्व युगुणी लाभ चाहना है बिना परिणाम सोचे या चाहे तो किसी भी कार्य में प्रवृत्ति नहीं हो सकती यदि कुछ भी किया जाए तो उस समय उस शक्ति के अपवय से अतिरिक्त और कुछ भी परिणाम नहीं निकलता निष्काम कर्म का तात्पर्य देवी सत्वगुणी आत्मिक कामनाओं से है ऐसी कामनाएं भी गायत्री के प्रथम पाद में ही तत्व में सरस्वती भाग में आती है इसीलिए निष्काम भाव की उपासना भी गायत्री मंत्र विद्या वैज्ञानिक जानते हैं कि जीप से जो भी शब्द निकलते हैं उनका उच्चारण कंठ तालु मूर्धा ओष्ठ दंत जीवा मूल आदि मुख से विभिन्न अंगों द्वारा होता है इस उच्चारण काल में मुख के जिन भागों से ध्वनि निकलती है उन अंगों की नाड़ी तंतु शरीर के विभिन्न भागों तक फैलते हैं इस फैलाव क्षेत्र में कई सूक्ष्म ग्रंथियाँ होती हैं जिस पर उच्चारण का दबाव पड़ता है जिन लोगों की कोई सूक्ष्म ग्रंथियाँ रोगी या नष्ट हो जाती है उनके मुख से कुछ खास शब्द अशुद्ध या रुक रुक कर शब्द निकलते हैं इसी को हकलाना और तुतलाना कहते हैं शरीर में अनेकों छोटी बड़ी दृश्य अदृश्य ग्रंथियाँ होती हैं योगी लोग जानते हैं कि उन कोशों में कोई विशेष व्यक्ति भंडार छुपा रहता है सुषमुना से संबंध ष्ठ चक्र प्रसिद्ध है ऐसे ही अगणित अनेकों ग्रंथियाँ शरीर में हैं विविध शब्दों का उच्चारण एवं विविध ग्रंथियों पर अपना प्रभाव डालता है और उस प्रभास में उस ग्रंथियों का शक्ति भंडार जागृत होता है मंत्रों का गठन इसी आधार पर हुआ है गायत्री मंत्र के चौबीस अक्षर हैं इनका संबंध शरीर में स्थित ऐसी चौबीस ग्रंथियों से है जो जागृत होने पर समृद्धि प्रकाशक शक्तियों को सतेत करती हैं गायत्री मंत्र के कारण सूक्ष्म शरीर का सितार चौबीस स्थानों से झनझ जन, देता है और उससे एक ऐसा स्वर लहरियुक्त उत्पन्न होती है जिसका प्रभाव अदृश्य जगत के महत्वपूर्ण तत्वों पर पड़ता है यह प्रभाव ही गायत्री साधना के फलों का प्रधान हेतु है गायत्री मंत्र को और भी अधिक सक्षम बनाने वाला कारण है साधक अश्रद्धामय विश्वास विश्वास की शक्ति से सभी मनोविज्ञानविदता परिचित हैं हम अपनी पुस्तकों और लेखों में ऐसे असंख्य उदाहरण अनेकों बार पढ़ चुके हैं जिनमें से यह सिद्ध होता है कि केवल विश्वास के आधार पर लोग केवल भय की वजह से अकारण काल में मुख में चले गए और विश्वास के कारण मृत प्रायः लोगों के नैना जीवन प्र प्राप्त किया रामायण में तुलसीदास जी ने भवानी शंकर वृंदे श्रद्धा विश्वास रूपीणों गाते हुए श्रद्धा और विश्वास को भवानी शंकर की उपमा दी है झाड़ी को भूल रस्सी को सर्प, मूर्ति को देवता बना देने की क्षमता विश्वास में ही है लोग अविश्वासों की रक्षा करने के लिए आराम तथा प्राणों तक को हंसते हंसते गंवा देते हैं एक लव्य कबीर आदि के ऐसे उदाहरण हैं जिससे प्रकट है कि गुरुद्वारा ही नहीं केवल श्रद्धा के आधार पर गुरु द्वारा प्राप्त होने वाली शिक्षा के भी अधिक विज्ञ बना सकता है हिप्नोटिज्म विज्ञान का आधार रोगी को अपने वचन और विश्वास करा के उसके अनमन माने कार्य करा लेना ही तो है तांत्रिक लोग मंत्र सिद्धि कठोर साधना द्वारा अपने मन में उस मंत्र के प्रति अगाध श्रद्धा जमाते हैं जिससे मन में गहरी श्रद्धा जमी होती है उस तांत्रिक का मंत्र भी उतना ही काम करता है जिस मंत्र से श्रद्धा श्रद्धालु तांत्रिक चमत्कारी काम कर दिखाता है उसी मंत्र को अश्रद्धालु साधक चाहे सौ बार करें कुछ भी लाभ नहीं होता गायत्री मंत्र मंत्र के संबंध में भी यह तत्व बहुत हद तक काम करता है जब साधक श्रद्धा और विश्वासपूर्वक आराधना करता है तो शब्द विज्ञान और आत्म संबंध दोनों की महत्ता से संयुक्त गायत्री का प्रभाव और अधिक बढ़ जाता है और एक अद्वितीय शक्ति सिद्ध होती है ऐसे ही अच्छी अच्छी जानकारी के लिए मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें धन्यवाद